मॉर्निंग बच्चों, हमारा जो कंप्यूटर में सेकंड क्लास का सिक्स चैप्टर आप देख रहे हो, सिक्स चैप्टर देखो, प्लेइंग विद नंबर्स टक्स मैथ, ये मैंने आपको स्टार्ट कराया था ना लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, मैं बुक में से रीडिंग कराऊंगी आपको। आपने पेज नंबर अपना 42 निकालना है, 42 पेज नंबर पर आपका सिक्स चैप्टर है, इसकी मैंने रीडिंग कराई थी। अब मैं आपको यहाँ से टू स्टार्ट टक्स मैथ, ठीक है, टक्स मैथ को स्टार्ट कैसे करते हैं वो हम अब सीखेंगे, ठीक है। आपको पेज नंबर निकालना है 43, बुक में कौन सा पेज नंबर निकालोगे आप, 43 पेज नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले ये मैम ने आपको बता दिया था कि ऑन करने के लिए जो ये टक्स प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आपको पेरेंट से डाउनलोड करा के उसके बाद आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। क्या करोगे, इसके ऊपर पहले हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जब आप डबल क्लिक कर दोगे ना, तो डबल क्लिक करते ही आपकी ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, तो ये दिखाई दे रही है आपको। ऐसी विंडो ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, ये देखो जैसे गेम्स होते हैं ना स्टार्ट, ऐसे ही आपका गेम यहाँ पर स्टार्ट होगा। जैसे ये आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या है, प्ले अलोन यानी अकेले खेलना चाहोगे, नेटवर्क गेम, प्ले विद फ्रेंड्स, या फिर यहाँ पर फैक्टोरॉइड्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉलोइंग टक्स मैथ्स में से मैथ स्क्रीन आपके यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्ले अलोन पे क्लिक करना है, यहाँ लिख रहे हैं ना, सेलेक्ट प्ले अलोन गेमिंग ऑप्शन, यहाँ से आपकी विंडो जो ओपन हो गई उसमें से सबसे पहला ऑप्शन प्ले अलोन जो दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ये प्ले अलोन पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद ही आपका ये जो उसके बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। पहले आपका ये होगा, उसके बाद आप जब यहाँ पर क्लिक कर लोगे पेंट पे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको ओपन करना है प्ले अलोन, ठीक है। उसके बाद आपकी ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। कौन सी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये वाली। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपने क्लिक करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट ऑप्शन मैथ कमांड ट्रेनिंग अकेडमी, आप किस पे क्लिक करोगे, इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ए स्क्रीन शोविंग वेरियस एडिशन गेम्स अपीयर, ठीक है, ऐसी स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है ना, उस स्क्रीन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तब आपको क्या मिलेगा, गेम आपके ओपन होंगे, तब आपकी क्या हो जाएगी, ऐसी एक स्क्रीन आपकी वहाँ पर ओपन हो जाएगी। तब क्या करना है आपने, चूज़ द गेम यू वॉन्ट टू प्ले, अब यहाँ से जो सा गेम आप खेलना चाहते हो, नंबर टाइपिंग एडिशन 1, 2, 3, एडिशन 0 to 5, जो भी खेलना चाहते हो वो यहाँ से खेल सकते हो। तो आपको जो भी खेलना है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एडिशन सम्स ऑफ 20, ठीक है। यहाँ से इन्होंने 20 की जोड़ यानी कैसे 4 + 5, 4 + 9 कितने हो गए, ऐसे यानी 20 तक के एडिशन यहाँ पे लिए हुए हमने। उसके बाद में अब जैसे ये ओपन हो गया ना, अब उसके बाद में गेम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये गेम है, ये आपको गेम ही दिया हुआ है आपकी बुक में कि ये गेम है एक टाइप का, ये जो टक्स होते हैं ना ये गेम ही होते हैं, ठीक है। तो अब ये टक्स मैथ का गेम हम खेलेंगे, तो एक गेम आपका यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसा एक आपका गेम ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपको प्रॉब्लम्स देगा कि देखो ये दिख रहा है आपको एकदम से 4 + 7 आया इज इक्वल टू कितना होता है, 4 + 7 कितना होता है। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है, ठीक है। 4 + 7 कितने हुए, 11, देखो यहाँ पे फिल कर दिया ना, कीबोर्ड से आपको जल्दी जल्दी बटन वाले में से 1 दबाना है यानी 11 दबाना है, अब यहाँ आ गया 11। उसके बाद आप क्या करना है, यू हैव टू सेव दीज इग्लूज बाय सोल्विंग दी एडिशन प्रॉब्लम कैरिड बाय दी कॉमेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप इनको ये यहाँ से इनको आप लगा दोगे, जैसे 4 + 7 कितना हुआ, 11 हुआ, तो आप इनको ये आपको जो इग्लूज दिखाई दे रहे हैं नीचे गिरते हुए, इनको आप कलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे ये यहाँ पे देखा है आपको फूट गया एकदम से, है ना, ठीक है। तो इस टाइप में क्या होगा, जैसे गेम खेलते हैं ना, वो गेम ही आपका यहाँ पे अपीयर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करते जाने हैं, आंसर देते जाने हैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर देखो अब यहाँ पे ये 3 + 5 = 2 आ गया, तो कितना आएगा अब यहाँ पे आंसर, 5। एकदम से आपको क्या दबाना है, 5 दबाना है, फिर वो कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर देखो ये आ गया ना इसके अंदर, ये इसके अंदर सेव हो गया, अब यहाँ पे 7 + 3 दबाना है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये गेम होता है। अगर आप नहीं बना पाए, ये आपको 4 दिए होते हैं, अगर आप 4 तक आउट हो गए नहीं बना पाए तो आपका गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ऑल दी पेंगुइन लीव्स
दी इग्लूज यू विल लूज द गेम। ठीक है, अगर जैसे अभी ये आपकी दिख रहे हैं ना, ये अगर इनके ऊपर गिरेंगे तो ये पेंगुइन भगते जाएंगे यानी मरते जाएंगे। अगर ये चारों पेंगुइन आपके उड़ जाएंगे, भग जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आप गेम हार जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका टक्स मैथ का गेम खेला जाता है। अब आपको आ गया सबको समझ में, अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे तो आप इसको घर पे खेल के देख सकते हो, नहीं तो जब स्कूल ओपन होंगे तब आपको मैं खेल के बताऊंगी। बस चैप्टर में आपको 6 चैप्टर में आपको गेमिंग का ही बताया गया था, पूरा आपको गेम खेलना है टक्स मैथ का गेम। ठीक है, अब उसके बाद जो 7 चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपके होमवर्क में आपने करना है 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं, आपका होमवर्क है आज का ये।